हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। सरकारी नौकरी आज आपको मिल रही है BSNL से। यदि आप BSNL में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है और इस रिक्रूटमेंट में आपका जो सिलेक्शन है वो बिना परीक्षा होगा। किसी प्रकार की एग्जाम आपकी इस रिक्रूटमेंट में नहीं होगी, तो ये फॉर्म आप जरूर अप्लाई करें। और जो फॉर्म फीस है वो भी आपकी फ्री रखी गई है, यानी कि किसी प्रकार की फॉर्म फीस भी आपको यहाँ नहीं जमा करवाना है। आपकी फॉर्म फीस यहाँ नील रहने वाली है, नील आपकी जो है फॉर्म फीस रहने वाली है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि BSNL में भी जो जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए कैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और इस प्रकार की जॉब रोजाना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले बेसिक जानकारी में आपको बताई गई है, आप देख सकते हो BSNL गवर्नमेंट जॉब 2022 भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने अपने टेलीकॉम सर्किल में अप्रेंटिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया, इस ब्रतिफिका को निकाला है, यानी कि प्रत्येक सर्किल से वैकेंसीज निकालती है। अलग अलग जो सर्किल हैं, अलग अलग स्टेट की जो सर्किल बनाए गए हैं उसी प्रकार इसमें आपको वैकेंसीज मिलती है। इसके बाद आपको यहाँ एज आपको बताइए कि आपकी उम्र अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए और SC ST OBC को 3 साल की छूट इस रिक्रूटमेंट में मिल जाएगी, यानी कि 18 से लेकर 25 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद OBC अभ्यर्थियों को यहाँ कितनी साल की छूट मिलेगी, 3 की, और जो SC ST अभ्यर्थी हैं उनको 5 साल की छूट मिल जाएगी। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बताया, आप देख सकते हो सबसे पहले आपको बताया सिलेक्शन प्रोसेस उम्मीदवारों को सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा, उनके क्वालिफाई एग्जाम में मिले मार्क्स से बनेगी, यानी कि आपकी जो फाइनल मेरिट है वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी। इसके बाद आपको इसमें बताई गई है कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हो उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इसमें दो कैटेगरी आपको बताई, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, दोनों इसमें स्वीकार की गई है, यानी कि ग्रेजुएट है और इसमें किसी भी स्ट्रीम में डिप्लोमा किया जाना अनिवार्य होना चाहिए, यानी कि ये आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। इसके बाद आपको इसमें स्टाइपेंड जो दिया जाएगा वो 8,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन के तौर पे दिया जाएगा। इसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ आपको बताएगी ये वैकेंसीज कहाँ से है, तो आप देख सकते हो BSNL हरियाणा सर्किल से वैकेंसीज है, सभी सर्किलों से वैकेंसीज का नोटिफिकेशन निकलता है। ये BSNL हरियाणा सर्किल से वैकेंसीज है और कौन कौन से जिलों से ये वैकेंसीज मिल रही है, तो यहाँ आपको बताया अम्बाला है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, हिसार है, करनाल है, रेवाड़ी है, रोहतक है, और ये जो आपको डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं या जो आपको BA डिस्ट्रिक्ट कन्वर्टर के जो नेम बताए गए हैं उनसे ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। इसके बाद आपको बताया कि भारत का कोई भी नागरिक ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है, 18 से लेके 25 वर्ष होनी चाहिए, SC ST PWD के कैटेगरी कैंडिडेट्स को अलग अलग छूट मिल जाएगी। इसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है, यहाँ देख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट ग्रेजुएट डिग्री एंड टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों आपको यहाँ बताई गई है, और डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए किसी भी एनी स्ट्रीम से। इसके बाद यहाँ कुछ वैकेंसी डिटेल्स आपको बताई कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितनी वैकेंसीज आपको मिल रही है। इसके लिए यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा और यहाँ से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारी जानकारी और आपको इस रिक्रूटमेंट को लेकर बताई गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं वो जानकारी आपको यहाँ बताई गई है, और इसके बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।